हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, नाक कान छिदवाने के बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आप को प्रॉब्लम होती है, तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नाक छिदवाने के बाद उसमें पस पड़ जाता है, या फिर जो है लाल हो जाता है, पक जाता है। तो उन सब चीज़ों से को बचने के लिए आपको क्या करना है, उसका ही मैं आज टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को आजकल के समय में नाक कान छिदवाना एक स्टाइल बन गया है। पियर्सिंग खुद को मॉडर्न दिखाने का एक तरीका बन गया है। ईयर या नोज पियर्सिंग काफ़ी समय से परंपरा के रूप में चली आ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पियर्सिंग ट्रेंडी लुक तो देती है, पर कई बार यह कान या नाक के छेद में संक्रमण भी पैदा कर देती है। इस संक्रमण की वजह से कान या नाक के छेद में सूजन, लालिमा, ब्लीडिंग, त्वचा की पपड़ी आदि परेशानियां होने लगती है। कई बार तो सूजन और बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम आपको ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आप इस परेशानी से छुटकारा पा जाएंगे। यहाँ पे कान नाक छिदवाने के बाद संक्रमण से बचने के मैं कुछ तरीके बताऊँगी, जिसका उपाय करके आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नाक कान छिदवाने के बाद संक्रमण के कारण, जब हम नाक कान छिदवाते हैं तो संक्रमण के क्या कारण होते हैं? संक्रमण का कारण होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, कान या नाक में छेद करने वाले उपकरण की वजह से होता है, साफ़ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से होता है, छिदे हुए कान या नाक में बार बार हाथ लगाना या नोज पिन को बार बार न घुमाना, ये सारे कारण होते हैं। तो नाक और कान छिदवाने के बाद संक्रमण को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उपाय मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला है नीम की डंडी। हम सभी के घरों में आसपास नीम का पेड़ मिल जाता है। नीम में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यदि आपका कान पक गया है, उसमें नीम की पतली डंडी डाली है, मतलब कि कान या नाक के छेद में नीम की बहुत पतली और मुलायम डंडी डालें। ध्यान रहे कि नीम की डंडी हरी होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। इसकी एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण यह कान की या नाक की संक्रमण को ख़त्म करता है। नीम की डंडी त्वचा के रोगों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। कई लोग खुजली होने पर नीम के पत्तों के पानी से नहाते भी हैं, तो आजकल बाज़ार में नीम युक्त साबुन भी मिलते हैं। दूसरा है साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि कान या नाक छिदवाने के बाद दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप कान को रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो गंदगी पियर्सिंग वाली जगह पर जमने लगती है और वह जम कर दिक्कत करने लगती है। ऐसे में पियर्सिंग वाली जगह की नियमित तौर पर सफाई करें। ओस की बूंद। सुबह की अमृत वेला में जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर एक ओस की बूंद जमी होती है। ये जो है ओस की बूंद, आप अपने नाक या कान के छेद के संक्रमण को दूर करने के लिए रामबाण उपाय है। दादी नानी के ज़माने से आप छोटे थे तब भी आपने सुना होगा कि जो है ठंड के मौसम में नाक कान को छिदवाना चाहिए, और जो ओस पड़ती है, बूंदे होती हैं, उसको लगाने से बहुत जल्दी कान नाक ठीक हो जाता है। जब भी आपको कान के छेद में दर्द महसूस हो रहा हो या सूजन आ गई हो, तो आप सुबह सुबह आई हो उसकी बूंद को सूजन वाली जगह पर लगा लीजिए। ऐसा आप एक हफ्ते तक करेंगे तो आपको फर्क लगेगा। एक हफ्ते में कान के छेद के पकने की समस्या दूर हो जाएगी। फोर्थ है सरसों का तेल। सरसों के तेल में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर कान या नाक के छेद में सूजन हो गई है या हल्का दर्द हो रहा है तो सरसों का तेल लगा लें, इससे आपके दर्द में राहत मिलेगा। यह उपाय आपको 4 से 5 दिन करना है। अगर कान के छेद में सूजन आ गई है तो
वार्म कंप्रेस काम कर सकता है। इसके लिए आपको एक कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में भिगोना है, 3 से 4 मिनट तक कान की सिकाई करनी है। इससे दर्द में राहत मिलेगी और आप इसे फिर कान को किसी साफ कपड़े से साफ कर ले, कान को सूखा रखें। इस उपाय से भी आपको मदद मिल सकती है। नोज पिन या ईयर रिंग को घुमाएं। कान में पहली वाली या नाक में पहनी नथनी को दिन में 2 से 3 बार घुमाने से भी संक्रमण नहीं होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब कान में पड़ा कुंडल बार बार घुमाया जाता है तो उसमें पपड़ी नहीं जमती है, जिसकी वजह से वह जाम नहीं होता है। ऐसे में उसे बार बार घुमाने से उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ दिन पहले ही पियर्सिंग कराई है तो ऐसा ना करें, इससे आपको दर्द या घाव हो सकता है। जब घाव सूख जाए तब ये काम करना है आपको। पियर्सिंग को नहीं छुएं। बार बार कान को छूने से भी इन्फेक्शन होता है। कान को छूने से पहले हाथ को धो लें, ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बार बार कान को छूने से भी इन्फेक्शन होता है। हम कान को छूने से पहले धोते नहीं हैं हाथ, ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर कान के छेद में घाव है तो पहले हाथ को साबुन से अच्छे से धो लें फिर छुएं, ताकि अगर ज़रूरी ना हो तो बार बार छूने से बचना चाहिए। नोज या ईयर पियर्सिंग फैशन का ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन इस पियर्सिंग की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसे घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है। ये जितनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये दादी नानी के टाइम से ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर इसको करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाक और कान के छेद को छोटा कैसे करें, बड़ा कैसे करें, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप सब उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलती हूँ फिर मैं अपनी एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।